नमस्कार। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं अंशु और आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। 12 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य की गहलोत सरकार के समर्थन में केंद्र सरकार व भाजपा के विरोध में एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दिखाते हैं पूरी खबर। ज्ञापन में केंद्र की भाजपा सरकार और राज्यपाल पर राज्य की गहलोत के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार को गिराने और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में बताया कि केंद्र की सरकार व राज्यपाल और भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा के इस कृत्य पर रोक की मांग, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव कैलाश जैन ने बताया कि भाजपा और राज्यपाल लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले भर से कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भाजपा और राज्यपाल के कुकृत्य पर अंकुश लगाने की मांग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर की। जिला कांग्रेस के महासचिव कैलाश जैन के नेतृत्व में कलेक्टर परिसर में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक प्रदर्शन चलता रहा। 2 बजे दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर परिसर पहुंचे और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व चेयरमैन कैलाश पारस, राजेंद्र भूमलिया एवं बारह शहर सहित छबड़ा, छीपा, बड़ोद, मांगरोल, शाहबाद, किशनगंज तहसील के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्रजेश यादव, बारा। सर, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज? भाजपा नीच सरकार द्वारा राजस्थान के लोकतंत्र सरकार को की हत्या षड्यंत्र पूर्वक जो की जा रही है, उसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, गहलोत जी के आह्वान पर ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्टर पर किया जा रहा है। हमारी सब कांग्रेसजनों की ये मांग है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को भाजपा की कुनीति थरा जो लोकतंत्र का जो हत्या की का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया, कर्नाटक में सरकार को गिराया, बॉम्बे में भी